तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस नेटवर्क। एंड गाइस डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली का रिटर्न क्या हमें देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, एंड क्या वो रिटर्न करके ज्वाइन करेंगे रेट्रीब्यूशन फैक्शन को, इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आई है जो कि मैं कवर करने वाली इस वाली वीडियो में। तो मैं रिकमेंड करूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में आने वाले बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस यहां मैं आप सबको बता दूं एंड आप सबको पता भी होगा कि डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली करंटली हैं AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। एंड इनका जो AEW कॉन्ट्रैक्ट है एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि गाइस यहां पे बताता है कि अगर डीन एम्ब्रोस एक साल AEW के साथ काम कर लेते हैं तो वो एक साल के बाद कभी भी AEW छोड़ के किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में जा सकते हैं। एंड वो जो एक साल हैं वो फाइनली कम्प्लीट हो चुके हैं डीन एम्ब्रोस के, तो अब डीन एम्ब्रोस किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में अपनी मर्जी के हिसाब से जा सकते हैं। एंड का जो लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आई है उसमें बताया गया है कि WWE यानी कि वर्ल्ड रेस्टिंग एंटरटेनमेंट ने डीन एम्ब्रोस के नाम के लिए ट्रेडमार्क अप्लाई किया है, यानी कि जहां पे WWE ने ट्रेडमार्क फाइल किया है डीन एम्ब्रोस नेम को लेके, यानी कि इसका मतलब है कि WWE के आगे भी प्लान्स हैं कि डीन एम्ब्रोस का रिटर्न हो एंड डीन एम्ब्रोस को वो वाला नाम वापस दिया जाए, यानी कि जॉन मॉक्सली नाम हटा के डीन एम्ब्रोस नाम वापस दिया जाए। यानी कि गाइस WWE के प्लान्स अभी भी हैं डीन एम्ब्रोस के रिटर्न को लेके। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि रेट्रीब्यूशन फैक्शन में किसी एक ह्यूज मेंबर को ऐड करने वाली है WWE। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अपडेट्स हैं वो बता रही हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन हो सकते हैं, लेकिन गाइस इतना ही नहीं, इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन के बाद हमें और भी एडिशन देखने को मिलेगा रेट्रीब्यूशन फैक्शन में। तो हो सकता है गाइस यहाँ पे कि डीन एम्ब्रोस रिटर्न करके रेट्रीब्यूशन ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर अगर डीन एम्ब्रोस को WWE से बदला लेना है तो यहाँ पर रेट्रीब्यूशन फैक्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। एंड स्टोरी लाइन के हिसाब से ये एक और कमाल की स्टोरी लाइन हमें देखने को मिल सकती है। तो गाइस अगर WWE कुछ इस तरीके से बुक करती है डीन एम्ब्रोस के रिटर्न को तो ये काफ़ी कमाल की थिंग होगी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर डीन एम्ब्रोस का रिटर्न होगा तो कब होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि डीन एम्ब्रोस रिटर्न करके रेट्रीब्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी गाइस आप अपने थॉट्स मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।